सीएम के आदेशों की डॉक्टर धज्जियां उड़ा रहे हैं। सीएम ने सख्त आदेश दिए हैं कि सरकारी अस्पताल का कोई भी डॉक्टर बाहर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा, मगर डॉक्टरों ने इस आदेश पर कितना अमल किया है इसकी हकीकत समाचार प्लस ने तलाशी तो सच वाकई चौंकाने वाला था। आपको दिखाते हैं फतेहपुर के सदर अस्पताल की तस्वीर। नहीं नहीं नहीं, बच्चों का डॉक्टर। योगी ने जैसे ही ये फरमान सुनाया कि निजी डॉक्टर सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, इस समय हम विल्सन पैथोलॉजी के सामने खड़े हैं जहां पे सदर अस्पताल में बतौर चाइल्ड स्पेशलिस्ट तैनात आप देख सकते हैं बगल में खड़े हुए हैं डॉक्टर मूलचंद यहां बैठे हुए थे और उनसे जब बात की गई तो उनका ये कहना है कि उनका यहां पे आवास है, वो यहां देख नहीं रहे थे, जबकि बच्चे से जो पेरेंट आए हुए हैं दिखाने उसका साफ कहना है कि वो यहां दिखाने आई हुई थी, अपने बच्चे को दिखाने आई थी पैथोलॉजी में, ये विल्सन पैथोलॉजी है और यहां पे बतौर प्राइवेट प्रैक्टिस डॉक्टर साहब करते हैं, डॉक्टर का नाम मूलचंद है, सदर अस्पताल में अपनी सेवाएं देते हैं। यहां किसको दिखाने आई थी आप? अच्छा, अभी डॉक्टर साहब बैठे थे यहाँ पे? अच्छा, तो देख सकते हैं ये महिला अपने बच्चे को दिखाने आई है और ये नहीं बता पा रही है कि वो डॉक्टर साहब का नाम क्या है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर साहब ने देखा कैमरा चलते हुए वो अपने केबिन से बाहर निकल आए और उनका साफ कहना है कि मैं यहाँ, मेरा आवास है, मैं यहाँ ऐसे ही बैठा था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर योगी सरकार का ये फैसला डॉक्टरों के गले क्यों नहीं उतर रहा है? समाचार प्लस से फतेहपुर के लिए अभिजीत सिंह चौहान। और वहीं अब आपको इटावा में सेहत के सौदागरों की गुंडे दिखाते हैं। क्लिनिक पर कवरेज के दौरान पत्रकार से हाथापाई की गई, डॉक्टर ने समाचार प्लस के संवाददाता से हाथापाई की। डॉक्टर अवधेश शर्मा और डॉक्टर मंजू शर्मा ने हाथापाई की है, पत्रकार से कैमरा और माइक आईडी तक छीन ली गई है। तो क्लिनिक पर कवरेज के दौरान यह हाथापाई की गई है। आपको बता दें कि डॉक्टर्स ने समाचार प्लस के संवाददाता से हाथापाई की और कैमरा और माइक आईडी तक पत्रकार से छीन ली गई। तो डॉक्टर अवधेश शर्मा और डॉक्टर मंजू शर्मा ने यह हाथापाई की है और कवरेज के दौरान हाथापाई की गई। और चलिए आपको तस्वीर दिखाते हैं बलिया के जिला अस्पताल की, जहां डॉक्टर साहब ने कोई प्राइवेट अस्पताल तो ज्वाइन नहीं किया है मगर आवास वही अस्पताल बना दिया है। डॉक्टर साहब सरकारी आवास पर मरीज देखते मिले और मरीज से 200 रुपए फीस लेकर जेब भरते नजर आए। योगी जी के आदेश के अनुसार मतलब कोई भी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता है और आप अपने प्राइवेट में मतलब आवास पे मतलब मरीजों को देख रहे हैं? ऐसा अभी हम लोगों को कोई आर्डर नहीं मिला है, ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। और चलिए आपको मऊ के जिला अस्पताल लिए चलते हैं, जहां आपको दिखाते हैं कि कैसे डॉक्टरों से लेकर सीएमओ सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों की खिल्लियां उड़ा रहे हैं। ऐसे जनता की सीएम से बस यही पुकार है कि ऐसे डॉक्टरों की सर्जरी हो। देखने में ये तस्वीरें आम सी है, लेकिन तस्वीरों के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जो ना जाने कितने दिनों से सिस्टम को दीमक की तरह खोखला करता जा रहा है। सीएम साहब, अभी आपने दो दिन पहले ही डॉक्टरों को नसीहत दी थी, आपने सुधर जाने की हिदायत दी थी। हर व्यक्ति सिफारिश करता है कि मैं शहर में हूं, अपनी प्रैक्टिस करो, और कहीं कहीं तो मैंने देखा है कि वहां मेडिकल कॉलेज से पैसा ले रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के प्रैक्टिस कर रहा है, क्या स्थितियां हैं? लेकिन देखिए मऊ के जिला अस्पताल का क्या हाल है, जिले का स्वास्थ्य महकमा किस अंदाज में काम कर रहा है, जनता को धरती के भगवान ने क्या सौगात दी, डॉक्टर रूपी भगवान ने अपना असिस्टेंट उन्हें बनाया है जो ऑलराउंडर है। नियुक्ति तो जमादार के तौर पर हुई, लेकिन एक और अहम जिम्मेदारी मिल गई। मातहतों ने ऐसा भरोसा दिखाया कि जनता की जान से खिलवाड़ करने का मौका दे दिया, डॉक्टर का होदा दे दिया, यहाँ सब आराम तलब हैं। जिला अस्पताल के इमरजेंसी में झाड़ू पोछा लगाना, मरीज को ड्रिप चढ़ाना, इंजेक्शन लगाना, ये रोज का काम है। तो एक टाइम आता है, दिन भर में तो टाइम हम लोग करते हैं, सुबह शाम ऑफिस में भी करते हैं जरूरत होता है। कितने घंटे की ड्यूटी रहती है आपकी? 7 बजे से 1 बजे तक। 7 बजे से? जी 1 घंटे, 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे की ड्यूटी होती है। तस्वीर सामने है, लेकिन सीएमओ साहब तर्क से ज्यादा कुतर्क के जरिए सच को झूठ बनाने की दलील दे रहे हैं। नहीं, मरीज को ड्रिप लगाना, नहीं नहीं, जहाँ लगाना कतई नहीं है, जहाँ भी मैं
हर आकस्मिक परिस्थितियों में मैं दौरा करता हूँ इमरजेंसी का, ऐसा अलाउ नहीं है ना कोई करता है कि स्वीपर जो है मरीजों को इंजेक्शन लगाए। उसके लिए हमारी कुछ प्रशिक्षित स्टाफ नर्स हैं, जो स्टूडेंट लगी हुई हैं, हमारी स्टाफ नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, इनके द्वारा ही काम लिया जाता है। बहरहाल जब अस्पताल की स्याह हकीकत ऐसी हो जहां डॉक्टर से लेकर सीएमओ किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना हो, सीएम योगी ने कहा था यूपी को स्वस्थ प्रदेश बनाना है, लेकिन क्या हमारा सिस्टम स्वस्थ है? तस्वीरें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। ऐसे में योगी जी, जनता की आपसे यही पुकार है कि सिस्टम की ऐसी सर्जरी कीजिए कि फिर कोई स्वीपर डॉक्टर ना बन जाए। रविंद्र सैनी, मऊ, समाचार प्लस। तो सुना आपने कैसे मऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने साफ साफ झूठ बोल दिया, लेकिन ये तस्वीर इन्हीं साहब की है जो सीएम योगी आदित्यनाथ के 20 घंटे काम करने के बाद को हवा में उड़ा रहे हैं। गए थे स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में ज्ञान देने, अपनी उपलब्धियां गिनाने, लेकिन नींद की कुमारी ऐसी चढ़ी कि कुर्सी तोड़ते तोड़ते लगे फराके मारे। अपने आप से भी बहुत अधिक उम्मीद मत रखिए।